दोस्तों देख सकते हैं आलू मटर गोभी की सब्जी बना रहे हैं। किस किस को गंजी खाना पसंद है? हमारे यहाँ इसको आप देख सकते हैं, इसको गंजी बोला जाता है। दोस्तों आप जा रहे हैं चावल की पूड़ी बनाने। यहाँ पर देख सकते हैं चावल की पूड़ी है, चावल की, और हमारी भाभी जो है बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं गर्मा गर्म पूड़ी और सब्जी हम लोग खा रहे हैं। भाई बहुत ही स्वादिष्ट है पूड़ी और सब्जी दोनों ही। ब्लॉग में स्वागत है, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग देख रहे हैं इस समय आप सब्जी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं। हमारे पतिदेव वीडियो बनाने के चक्कर में थे। आप लोग कमेंट करके बताइए किस किस को पसंद है गोभी मटर टमाटर की सब्जी। आज हम वही सब्जी बना रहे हैं, आप लोग को खाना तो कमेंट करके बताइए जल्दी से। जिसको जिसको खाना हो कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों ये देखिए मटर आलू गोभी टमाटर की सब्जी, जिसको खाना हो कमेंट में बताइए। ये देख सकते हैं हमारी बीवी बना रही हैं। दोस्तों देख सकते हैं आलू मटर गोभी की सब्जी बना रहे हैं, और किस किस को पसंद है वो कमेंट करके बताइए। जी हाँ दोस्तों ये देखिए इसकी इतना अच्छा खुशबू आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। ये हमारी बीवी बना रही हैं इधर। कौन कौन खाना पसंद करता है ये सब्जी कमेंट में बताना। ये देखिए ठंड के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है, इस समय मिलता भी। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में बताना किस किस के खेत में ये गोभी टमाटर और ये जो आलू है उगाया गया है। दोस्तों हमारे पतिदेव को सब लोग सपोर्ट करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारे पतिदेव की ख्वाहिश है यूट्यूबर बनना, आप लोग सपोर्ट करिए। आप लोग का ऐसे ही लाइक सपोर्ट मिलता रहेगा तो एक दिन हमारे पतिदेव जरूर सफल होंगे। आप लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। किस किस को गंजी खाना पसंद है? हमारे यहाँ इसको आप देख सकते हैं, इसको गंजी बोला जाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए हमारी पतिदेव की वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचती है और इस चीज़ को क्या चीज़ बोला जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइए ताकि हमको भी पता चले कि हमारे पति की वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँचती है और गंजी को क्या चीज़ बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों आप लोगों के यहाँ गंजी को क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देख सकते हैं हमारे हाथ में गंजी है, अभी इसको हम छील के फिर खाएँगे। ये देखिए तो दोस्तों आप लोग ये देखिए गंजी, आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ गंजी बोलते हैं, ठंडी में बहुत इसको जो है खाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं हम अपने पतिदेव को गंजी खिला रहे हैं। आपको नहीं पता आप लोग के यहाँ क्या बोला जाता है। और जी हाँ दोस्तों देखिए बहुत ही मीठा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ गाइस ये देख सकते हैं गंजी, ये देखिए बहुत ही मीठा होता है, तो आप लोग ऐसे ही हमको सपोर्ट करिए। दोस्तों आप जा रहे हैं चावल की पूड़ी बनाने, सब्जी तो आप देख ही लिए होंगे, और इसमें हम जा रहे हैं पूड़ी निकालने चल रहे हैं। और किस किस को पसंद है चावल की पूड़ी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। जी हाँ दोस्तों ये देखिए चावल की पूड़ी बनने जा रहा है, ये हम लोग आज खाएंगे सब्जी और चावल की पूड़ी। दोस्तों आप लोग देखिए चावल की पूड़ी हम बना रहे हैं, आप लोग को खाना कमेंट करके बताइए। बहुत ही मुश्किल से बन रहा है, क्या है बीच बीच से फट जा रहा है, चावल चावल का आटा है ना। बहुत ही मुश्किल हो रहा है क्योंकि बीच बीच से फट जा रहा है, तो अभी तो फूल गई है हमारी पूड़ी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा जिसको जिसको खाना हो। तो दोस्तों हमारा खाना तैयार हो चुका है और अभी हमारे भाई एक्शन जैक्सन होने हैं और हम दोनों लोग पूड़ी और सब्जी खाएंगे, तो अभी आपको दिखाएंगे, वो आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों हम तो खुद को बहुत लकी मानते हैं क्योंकि आज अगर हम मामा के घर ना होते तो भाभी का हाथ का ये पूड़ी ना खाने को हमको मिलता। तो अब जा रहे हैं खाने हम लोग,
तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं हमारे हाथ में गर्मा गर्म आलू टमाटर और मटर की सब्जी है, ये देखिए चावल है, और इधर भाई के हाथ में यहाँ पर देख सकते हैं चावल की पूरी है, चावल की। और हमारी भाभी जो है बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, और आपको अगर प्रूफ चाहिए तो आप यहाँ पर आ सकते हैं हम लोगों से मिलने जी हाँ, और आपको ज़रूर से ज़रूर हम खाना खिलाएंगे यहाँ का। तो दोस्तों आप लोग ये देख सकते हैं गर्मा गर्म पूरी और सब्जी हम लोग खा रहे हैं, जिसको खाना हो तो आ सकते हैं हमारे घर पे। ये देखिए भाई बहुत ही स्वादिष्ट है पूरी और सब्जी दोनों ही, तो बहुत ही मज़ा आने वाला खाने में, देख सकते हैं चावल की पूरी है, चावल की पूरी बहुत अच्छी बनाई हमारी भाभी। वाह बहुत ही मज़ा आ रहा खाने में। ये देखिए दोस्तों ये जो पूरी है चावल की बहुत ही नरम है, देखिए एकदम बहुत ही पतला बनाया गया है इसको, बहुत ही अच्छा। हेलो गाइस, आज का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय।